ਵੇ ਖਲੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਰੰਗ, ਮਾਏ ਵਾਲੇ ਦੇਨ ਦੇ ਗਮੋ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਲੰਗ। ਵੇ ਖਲੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਵੇ ਖਲੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਰੰਗ, ਮਾਏ ਵਾਲੇ ਦੇਨ ਦੇ ਗਮੋ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਲੰਗ। ਏ ਨਗਰੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੀਰਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਆਸਥਾਨਾ। ਏ ਨਗਰੀ ਦਾਤਾ ਦੀ, ਏ ਨਗਰੀ ਦਾਤਾ ਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नासरीन, बीट स्पेशल में खुश आमदीद। नासरीन, बीट स्पेशल में आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं, जिन्होंने अपने अंदर छुपे हुए आर्टिस्ट को एक ऐसी उम्र में जाकर तलाश किया जो कि अमूमन रिटायरमेंट की उम्र जो है वो समझी जाती है। हमारे साथ फयाज़ कुरैशी मौजूद हैं, शायर भी हैं, गुलकार भी हैं, लिखते भी हैं, साथ साथ गाते भी हैं, और बहुत से जो है वो फ़न इनके पास छुपे हुए हैं। लेकिन इस फ़न को ढूँढने में इन्हें अपनी ज़िंदगी के 62 साल लग गए, और उसके बाद इन्हें मालूम हुआ कि इनके अंदर एक फनकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लाख लाख जी। मैं अपनी तमाम ज़िंदगी से बड़ा खुश हूँ, अल्लाह ताला की जो मुझ पर रहमतें हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है, बहुत रहमतें उसकी, बहुत खुश हूँ मैं उससे, मुझे कोई तशनंगी नहीं अल्लाह ताला से। अच्छा फयाज़ कुरैशी साहब, अमूमन कहा जाता है कि बच्चों को उनकी उस लाइन में नहीं जाने दिया जाता जिनमें उसका दिलचस्पी होती है, जिसमें वो बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं, और आप ऐसी ही एक जीती जागती मिसाल हैं। आपने बताया जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुलाजमत में गुजार दिया, एज अ इंजीनियर आप काम करते रहे, और सऊदीया में काम किया, अमेरिका गए, दुनिया के हर कोने में जाके काम किया, फिर इस उम्र में जाके 62 साल की उम्र में, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे अपने असल की तरफ जाना है, मेरी जो असल सलाहियत है वो कुछ और है? इंसान, हर इंसान के शौर में कोई ना कोई कहीं किसी किस्म का यानी फन जो कहते हैं छुपा होता है, फनकार होता है या फन कह रही है। मेरे वालिद साहब भी कहा करते, अल्लाह उनको जन्नत सीधे कहा करते कि यार तू, मैं खुश नफीस हूँ, मेरे वालिद साहब कातब थे, कुरान शरीफ लिखते थे, तो कहते थे यार तेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। एक पैड दूसरी जमात में मुझे एक टगा, दो पैसे जिसको कहते हैं टगा, उस ज़माने में होता था, वो इनाम मिला था खुशखसी के लिहाज से, तो कह रहे आप यही काम करो और अच्छा खासा नाम कमाओगे। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा पैशन नहीं है, मैं मुझे पसंद ही नहीं है किताबत, मैं जोड़ के बैठा रहूँ, लिखता रहूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी की ज़िंदगी में मैंने ये किया कि मैं शादी में ढोलक बजाया करता था और टप्पे गाया करता था लड़कियों के साथ बैठ के, तो वो पता नहीं कहाँ का जुनून कहाँ आके छुप के बैठा रहा। और 62 साल के बाद जब मैं रिटायर हुआ अपनी लाइफ से, तो फिर मैंने सोचा, और दुनिया घूमने के बाद मैं सोचा कि इंसान को कुछ अच्छा भी करना चाहिए, ये क्या नटखट रहे इंसान, सूट पहन लिया, इधर पहन लिया, ट्राउज़र पहन लिया, और लड़कियों को छेड़ते ये करना, तो मैंने ये सब कुछ भुला के मैंने कहा इंसान के अच्छा कोई काम ऐसा करना चाहिए जो यानी आकबत सवार जाए इंसान की। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो लिखना क्या शुरू किया, एक दफ़ा मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा तुम्हें मुशायरे में ले जाता हूँ। मैं कहा मुशायरा क्या होता है? ये जिद्दा की बात है, कहते वहाँ शायर अपना अपना शेर सुनाते हैं तो दाद मिलती है तो बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा चल चले जाते हैं। देख मैं बैठा तो उन्होंने मेरे आगे माइक रख, अपनी टर्न के बाद माइक रख दिया, माइक रखने का ले जी आप शेर सुनाएं। मैंने कहा मैंने कभी बकरी नहीं किया, आप क्या शेर कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं। मेरे साथ एक ताहिर जमील साहब थे, वो फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत भी करे, तो पंजाबी के शायर थे, वो कहने लगे कुरैशी साहब कुछ लिखते हैं? मैंने कहा कभी कभी लाइनें मार लेता हूँ। तो कहने लगे कुछ लिख के लाना, कल लिख के लाना, कल के मुशायरे में आपको उठाएंगे। तो उसकी दो लाइनें मैं सुनाता हूँ जो मैंने, जैसे बच्चा यानी शर्मा के नहीं पढ़ता तो मसीना आया मुझे, तो मैंने पढ़ा, तेरी जब याद आती है तो बन गुजार होते हैं, तेरी जब याद आती है तो बन गुजार आते हैं होते हैं, मैं आंखें बंद करता हूँ तेरे दीदार होते हैं, ना रखो फासले इतने कि खुद से गैर हो जाओ, सुना है रूठने के भी कुछ मेयार होते हैं। मोहब्बत करने वाले तो लगा दें आग पानी में, मोहब्बत करने वाले तो लगा दें आग पानी में, पराई आग में जल वो गुलो गुजार होते हैं। तो आखिर शेर था, चलो फैयाज अब सच बोलते हैं जाके मकतल में, चलो फैयाज अब सच बोलते हैं जाके मकतल में, जो सो जाते हैं सूली पे वही बेदार होते हैं। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी ज़मीन है, तो मैं इधर देखने लगा मैंने कौन सी ज़मीन की बात करें, तो मेरे साथ ने कहा ज़मीन बेस अच्छी है आपके, बहुत अच्छा लिखा आपने, तो वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, ये नहीं कि आपने कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं समझी, किसी को पढ़ा नहीं, और बस खुद बखुद? नेवर नेवर, इज़ गॉड गिफ्टेड, नेवर। मुझे आप कहें कि कसम ले सकता हूँ कि मैंने आज तक ना किसी की शायरी सुनी है तो ना किसी शायर को पढ़ा है।
और फिर भी आपका जो है वो इस तरीके से शायरी में दिलचस्प, और मैंने किताब लिखी इतनी, आप इस पर डेप्थ इतनी है शेरों में, एक एक शेर में यानी दुनिया बंद की है, कूजा बंद, कूजे में जैसे कहते हैं ना। तो कभी कभी किसी शेर को, शायर को, अलामा इकबाल को, कोई आपके फेवरेट जो है वो किसी को पढ़े सुनने में? अच्छा चले, एक लिखना तो आ गया, उसके साथ ही साथ आपने जो है गुलकारी में भी एक बड़ा नाम बनाया। आपने जैसे बताया कि बहुत से फॉरेन टीवी आपके इंटरव्यूज जो है वो नशर कर चुके हैं, तो ये किस तरह से शौक पैदा हुआ? ये भी किसी को देखा देखी? ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं टप्पे गाता था तो उसी से वो सोया हुआ जो फनकार था वो बाहर आ गया, तो मैं खुद ही अपना रिदम बनाना शुरू कर दिया कैसे गाने। ये ऐसा हुआ कि मैं जद्दा में बैठा अपने एक गज़ल को गुनगुना रहा था, तो दोस्तों ने कहा यार तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में जाकर रिकॉर्ड करते, अपनी एल्बम बनाते? तो मैंने फिर एल्बम बनाई है उसके गुनगुनाने से। उन्होंने यानी कहते हैं ना जैसे कि कोई बच्चा निकाल लिया कुएं से, तो उसने बोला बड़ी हिम्मत की आपने, कह ले मुझे बताओ धक्का किसने देती है, मैं तो नहीं निकाल जाना चाहता था। तो वो बात ही मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दिया, तो फिर मैं ईसा खेल स्टूडियो में आया, वहाँ मैंने वो उससे बात की, तो वो बहुत खुश हुआ, कहना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आप गाएं। तो फिर मैंने वहाँ 13 गाने गाए। अच्छा, पहली दफा में 13 गाने? मैंने 13 गाने एक शिफ्ट में गा दिए जी। अच्छा, और वो है अल्लाह का शुक्र बन गई वो। हाँ, एल्बम पड़ी है, वो कचरे में पड़ी है, पड़ी ना बेची है ना कुछ, ना कुछ नहीं किया उसका, बस पड़ी है। फिर मैं किताब की तरफ आ गया, किताब लिखी, फिर मैं दूसरी लिखी है, दूसरी अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है। किताब क्या मौजू आपके, जनरल मौजू पे आप शायरी करते हैं क्या, आपका स्पेसिफिक? किताब में असल में ये है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने बने इंसान को बनाया कुछ करने के लिए, कुछ यानी उसके अहकाम को फॉलो करने के लिए, तो इंसान कार कुछ रहा है, शैतानी काम कर रहा है। तो मेरे जहन में आया, असल में मेरी परवरिश बहुत अच्छे माहौल में हुई, वाल साहब 5 वक्त नमाजी थे, वालदा 5 वक्त नमाजी, तजद गुजार थे, तो उस माहौल में डेवलप हुई, तो ये असर था उसका। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताऊँ कि मेरा शजन जो है 41वीं पीढ़ी से जाकर हज़रत अली करमुल्लाह जैसे मिलता है। अच्छा, हाँ वो प्रिंटेड है, उर्दू बाजार में अवेलेबल है, मेरा सीना गज़ल नहीं है। तो बात ऐसे हुई कि चलते चलते शौर हुआ कि यार इंसान को अच्छा करना चाहिए काम, तो ये मेरा जेन जो उधर हो गया, तो मैंने जो लिखा है आप यकीन करें ये सारे मैसेज हैं, कोई गुलू नहीं है, कोई बालों की खूबसूरती नहीं, कोई आंखों की नहीं है, कोई होठों की रुखसार की, कुछ नहीं है, मास हो इसके कि इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान क्या कर रहा है, वो मैंने लिखा है। समाजी इशूज पे आपने, सूफिया जिसको तसव्वुफ कहते हैं वो लिखा है। अच्छा, सबसे सबसे फेवरेट कौन सा आपका कोई कलाम जो आपको खुद भी अच्छा भी लगता हो, आप गा भी सकते हो और आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है, क्या सुनाना चाहिए? बशर भी ओ हा नूर भी ओ हा, बशर भी ओ हा नूर भी ओ हा, जाने कुल खुदाई जिसने सारे नबियां तो सोनी शान वलड़ी पाई, मी मोहम्मद ना उस पाया, मी मोहम्मद ना उस पाया, मी मके विच जाया, मी मदीने जाके सोने डेरा अंती लाया, कुफर नू फंड के कबरे पाया, कुफर नू फंड के कबरे पाया, दीन दी जोत जगाई जिसने सारे नबियां तो सोनी शान वलड़े पाई। आप आए उतसमाना हूरा डफली बजाई, मिलका हमद खुदा दी जप जप कीती खूब पढ़ाई, कीती खूब पढ़ाई, खीर पे आवन आपन लोका, खीर पे आवन आपन लोका, दाई हली मासी आई, आप तो पहला तियान लोका जिन्हें कबरे पाया, ओ हो आप तो पहला तियान लोका जिन्हें कबरे पाया, सोने साइया मुनकर होके बुतां नू साई अपनाया, बुतां नू साई अपनाया, आपने आके बुत अशनासा, आपने आके बुत अशनासा,
रब दी पोथी पढ़ाई जिसने सारे नबियां तो सोनी शान वलड़े पाई। बशर भी ओहा नूर भी ओहा, बशर भी ओहा नूर भी ओहा, जान कुल खुदाई। जज़ाकअल्लाह, सुबहानअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बल्कि एक बहुत बड़े मैसेज को आपने जो है वो चंद सत्रों में जो है वो समेट दिया है। तो यकीनन तसव्वुफ़ के हवाले से आप लिखते हैं, गाते हैं, कलाम है आपका। मुझे ये बताइएगा कि जो दौरे हाजिर चल रहा है, अगर हम कंपेयर करें पुराने शोरा को और अब का जो दौर चल रहा है, अब तो बहुत जाली चीज़ें चल रही हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा होता है, तसव्वुफ़ के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आजकल की शायरी नहीं है, पोएट्री नहीं है, ब्लफबाजी है। आपकी शायरी चुरा ली, उनकी चुरा ली, दूसरे तीसरे की चुराई, चार शेर दूसरे ले लिए। असल में दिल से कोई लिखता, मैंने जो लिखा है दिल की गहराइयों से लिखा है, अपने आप को उसमें ढाल के फेंक के उसमें डिजॉल्व कर दिया, तो तब जाके लिखा, तो तब ऐसे शेर आए। अच्छा, हमारे नौजवान जब पहुंचते हैं 20, 25, 30 की एज को भी, और उनको लग रहा है अगर वो एक एक फील्ड में अपने 4-5 साल गुजार देते हैं, तो उनको लगता है कि हमने अपना करियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टाइम यहाँ पर दे दिया और अब हम चेंज नहीं कर सकते। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत नाखुश रहते हैं अपनी फील्ड में, अपने शोबे में, क्योंकि वो उनका पसंदीदा नहीं होता। इस तरह अगर आपकी मिसाल लें, आपने अपना जो जॉब स्टार्ट की, वापटा के इंस्पेक्टर के तौर पे आपने स्टार्ट की, फिर आप इंजीनियरिंग में गए, आपने डिप्लोमास किए, और फिर आपको 62 साल की उम्र में जाके पता चला कि मेरे अंदर तो शायर है, मेरे अंदर एक फनकार मौजूद है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान हमारे बहुत मायूस है। मेरा ख्याल है कि मुझमें शुरू से मुस्तकिल मिजाजी थी। जो काम मैंने शुरू किया, जो भी किया, मैंने एंड तक पहुँचाया, चाहे मुझे नुकसान हुआ चाहे फ़ायदा हुआ, मैंने उसका आखिर देखा है। तो आजकल की औलाद जो है, आजकल के बच्चे, उनमें मैच्योरपन नहीं है, उनमें वो चीज़ नहीं, थॉट नहीं है, वो नहीं है, विजन कोई नहीं है उनका। विजन क्या है? लोगों से इकट्ठा करते हैं, देखते हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और लिखना शुरू करते हैं, तो वो बात नहीं बनती। मैच्योरिटी चाहिए। और ये शायरी भी फुल टाइम जॉब है, ये इट्स नॉट ए ईजी जॉब। हमें ये आप सोचना पड़ता है, मेमोरी चाहिए, आपके फ्लड चाहिए, पीछे अंबार चाहिए, लफ्जों का पहाड़ चाहिए, तब आप लिखते हैं। कोई बच्चा अगर कहता है कि मैंने सिंगर बनना है, तो उसको डांट दिया जाता है कि भाई हम तुम पे इतना तुम्हें जो है वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुमने जाके कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई अच्छी फोर्सेज में जाना है, इस चीज़ को अप्रिशिएट कब किया जाएगा? ये भी एक फन है और इसको बतौर पेशा भी लोग जो है वो अपना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी फन हैं आजकल मर रहे हैं, मतलब वो आपकी रोजगार का जरिया नहीं बन सकते और अप्रिशिएट नहीं करते, आपके पेरेंट्स हों, आपके दोस्त हों, आपके गाइडर्स हों, क्या कहेंगे? मैं तो वही कहूँगा कि मैच्योरिटी नहीं है लोगों में, मैच्योरिटी नहीं है, विजन ठीक नहीं। विजन हो तो तब आप कुछ कर सकते हैं। फर्ज माल, मैंने यहाँ से दादा दरबार जाना, तो मुझे यहीं से बैठ के सोचना है कि हाउ फार आई हैव टू गो, और कौन सी राइड मुझे लेनी है, साइकिल पे जाना है, माइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, कैसे जाना है, और किस किस रास्ते जाना है, और जाके मैंने मांगना क्या, करना क्या, कौन सी दुआ करनी है। दुआ मुझे याद होनी चाहिए, खाली मैं चक्कर तो लगाने नहीं जाना, तो या चावल खाने तो नहीं जाना, या भंडारा खाने तो नहीं जाना। तो मैंने मेरा मकसद होना चाहिए, मेरा विजन होना चाहिए कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। तो आजकल बच्चों में विजन नहीं है, बिल्कुल इमैच्योरिटी है, इमैच्योरिटी है। और उसकी वजह मैं बताता हूँ, वजह यह है कि माँ बाप इतने मसरूफ हो गए, इतने रिज़्क रोज़ी रोटी के चक्कर में मसरूफ हैं और फैशनेबल हो गए हैं कि बच्चों का ख्याल ही नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नो बडी केयर अबाउट दैट, नो बडी कुछ सोच नहीं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको 62 साल की उम्र में भी जब आपने अपना एक डिफरेंट चीज़ जो है वो करने की कोशिश की, तो आपको इख्तलाफात का सामना रहा अपने सर्कल में, आपके बच्चों की तरफ हुआ। क्या वजह थी, क्या कहते थे वो? बच्चों ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। मेरे बीवी ने मुझे कहा कि आप इस तालाब में कूद जाए, मैं आपके साथ हूँ, तो मैंने छलांग लगा दी। अमूमन वैसे अहलिया सपोर्ट नहीं करती होती। नहीं, ये नहीं बात होती, उन्होंने सपोर्ट किया, उसने सपोर्ट किया, सुनती भी थी आपकी शायरी। वो तो आखिरी दिन बीमार हो गई, आर्थराइटिस की पेशेंट थी, तो जब किताब छप के आई तो मैंने उनको अपने गीत सुनाए, तो आप यकीन है वो रोने लग गई, कह रही आपके इतने अच्छे गीत हैं, इतने प्यारे गाए हुए हैं, तो आपने इनको कचरे में फेंक दिया, आप इनको बेचें या करें, मैं मैं किताब लिखूंगा फिर मैं दूसरी। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करेंगे कि पार्ट टाइम एक प्रोफेशन किस तरह आपका जो अगर कोई टैलेंट मौजूद है उसको लेके चला जा सकता है, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین ویر اسپیشل میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسے شاعر فیاض قریشی سے جنہوں نے 62 سال کی عمر میں جا کے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ دریافت کیا اور یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ساتھ لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں یقیناً وہ قابل احترام بھی ہیں ان کی قدر بھی کی جانی چاہیے فیاض قریشی صاحب یہ بتائیے گا آپ نے شاعری میں تو نام کمایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھنے کا بھی کام شروع کیا صوفیانہ کلام آپ صوفیزم ہے کیا آج کل ہم صوفیزم کی کیا ڈیفینیشن لے رہے ہیں صوفیزم یہ ہے جی بیسیکلی میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا داری سے پیچھے ہٹ کے ایک طرف ہو کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پابندی کرنا اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ قائم دائم رہنا صوفیانہ تو یہ ہے تو صوفیزم جو میسج دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو خالی دنیا دین ہی نہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ایک دفعہ دیکھا دو دفعہ دیکھا تو ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگے یہ فلاں بن فلاں ہے تو کہنے لگے کیا ہے کیا کرتا ہے کہنے لگے یہ یہاں ہی بیٹھا رہتا ہے عبادت کرتا رہتا ہے تو آپ کو بڑے جلالی تھے آپ نے آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے ڈنڈا ہوتا تھا آپ نے تین چار اس کو مارے کہ تو اٹھ کون سا دین لے کے آ اللہ کا اللہ کا دین یہ نہیں کہتا اللہ کا دین کہتا ہے دنیا میں رکھو دین میں رکھو تو صوفیزم کیا سکھاتا ہے آج کل کا کنسپٹ بہت غلط ہے آج کل لوگ کہتے ہیں جی صوفیزم سکھاتا ہے کنگرو پالو یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو کان پڑوا لو اور پھرتے رہو یہ نہیں یہ صوفیزم نہیں ہے صوفیزم یہ ہے کہ آپ کی دل سے بات اٹھے اللہ کی حقوق اٹھے تو اس کو آپ صوفیہ بالکل تو وہ دل سے بات کریں اپنے نفس کو مار کے جو بات کریں گے وہ آپ صوفیزم کرائیں گے بالکل بہت خوبصورت بات کی دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور عموماً ہمارے ہاں نہ صرف شاعری میں بلکہ صوفیزم میں کانسیپٹ خراب ہوئے ہیں گانے کی بات کریں تو اس طرح کے بول سم ٹائم سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کو نفرت انگیز سمجھا جاتا ہے اور جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے اگر اس پہ آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی اگر شاعری کرتے ہیں کس طرح لے کے چلنا چاہیے کیونکہ بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا تو منع کیا گیا ہے کس قسم کی شاعری سے منع کیا گیا ہے اس شاعری سے جس میں غلو ہو بے جا تعریف عورت کی تعریف اور اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی یعنی بات کرنی جو بھی آپ کہیں گے خلاف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خلاف کرے حکم دولی تو وہی ہوگی نا تو نبی کی خود حکم دولی کریں گے تو وہ بھی تو غلو کیا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے کہوں یہ فلاں اور تیری آنکھیں ایسی ہیں جیسے جھیل ہوتی ہے تیری زلفیں ایسے ہیں کالے بادل ہوتے ہیں تیرے ہوٹ ایسے ہیں پنکھڑی گلاب حالانکہ ہوا نہیں صرف اور صرف دنیا داری کمانے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا نفس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اسے خوشامد کہتے ہیں بالکل پراپر لفظ ہے تو یہ بات ہے یہ غلو کرائے گا صوفیہ نظریہ کہ ٹو دی پوائنٹ جائیں آپ ٹو دی پوائنٹ جائیں اصل میں انسان کے شعور کے اندر پاکی ہونی چاہیے اس طرح سے طہارت ہونی چاہیے بالکل تو قرآن یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی شاعری کہا میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو شر سے ناتا نہ رکھ مانگ لے خیر تو شر سے ناتا نہ رکھ مانگ لے خیر تو ورد تیری زباں پر رہے اللہ رحمتیں اس کی سارے جہاں پہ آیا فابے یہ اللہ رب کما تو کذباں نعمتیں پا کے بھی ہم نہ شکرے رہے نہ سمجھتے ازل سے جو اب تک رہے ہم گناہگار ٹھہرے وہ ہے مہرباں فابے یہ اللہ رب کما تو کذباں یہ ہونی چاہیے یہ شاعری ہے سبحان اللہ کہ اللہ کی تعریف ہے کہ کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے اس کو مانو جس نے تمہیں تخلیق کیا کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا اس کو صوفیزم بناؤ اس کو بناؤ نہ کہ گانے اور بجانے اور ڈھول ڈمکے یہ وہ کرو دنیا داری نبھاؤ پر طریقے سے ان لمٹ بڑا کانسیپٹ خراب ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا غالب کو علامہ اقبال کو اس طریقے سے جو ہے وہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شاید کسی اور حالت میں جا کے لکھتے اب نہیں پڑھا جا اب خواب خراب کیا جا رہا ہے اب پڑھا نہیں جا رہا پڑھنے میں لوگ ختم ہو گئے اب تو زمانہ اور طرف چل پڑا ہے آئی ایم سوری اٹس ناٹ دا سبجیکٹ بٹ زمانہ کہیں اور جا رہا ہے ہم نہ اقبال کو فالو کر رہے ہیں نہ غالب کو فالو کر رہے ہیں اس کی پوٹی لے کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اپنا یعنی نفس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور کچھ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہو رہی
इकबाल पे तहकीक की जा रही है और रिसर्च करके फिर कुछ लोग जो है कुछ लोग हैं कुछ लोग के नाम पर अपना अपना अपने आप को ही चेंज कर लेते हैं, जीप सहूलिया बना लेंगे नौजवान, वो मैंने पहले आपको बताया, वो मैंने लेंगे और फिर अपनी जो हैबिट से उनको चेंज कर लेंगे, हम सूफी बन गए। नहीं, ये नहीं, ये सूफीज्म नहीं। मैंने आपको सूफीज्म की तारीफ बताई है कि दिल से होनी, गहराइयों से होनी चाहिए, अंदर पाकी होनी चाहिए, मन पाक होना है, तभी आप कोई लफ्ज अच्छा कहेंगे, किसी दूसरे को भी तंबीह कर सकेंगे। अच्छा, सूफीज्म में कौन फेवरेट है आपका, किसको फॉलो करते हैं, आइडियल किसको देखते हैं? मैं तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को जानता हूँ बस, बाबा उसके बुल्ले शाह थे, उसके अलावा देखिए आप, मैंने किसी को पढ़ा ही नहीं, मुझे क्या पता, आप यकीन करें, मेरी शायरी पढ़ के लोग कहते हैं यार ये बिल्कुल बुल्ले शाह के मुकाबले की शायरी लिख दी आपने, मुझे कहते हैं आप मम्मी महमूद की शायरी की बात करती, मैंने लिखा है। मेरा एक दोस्त है चौधरी लियास मलिया कलाम शेखपुरे का, उसने मेरा एक गाना सुना तो गाना बहुत अच्छा था, कहला कुरेशी तेन पता तू की लिखे, हम सॉरी पंजाबी बात करते हैं, वो पंजाबी है, वो सारी उम्र स्कूल नहीं गया, स्कूल का मुँह नहीं देखा, अनपढ़, उसको 7-8 शायरों की शायरी याद है और तफसीर बताता है, बकायदा तशरीह करता है, तो उसी को देख के मुझे शौक पैदा कर रब्बुल आलमीन मुझे भी कोई पंजाबी का कलाम बख्श। तो उस वक्त मैं मदीना शरीफ में था, तो मैंने दुआ मांगी अल्लाह ताला के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अर्जी डाली वो मंजूर हो गई, तो मैं पंजाबी में लिखी यादां दी हनेरी चलदी है, तो वो बताता था कि कृषि तूने तो वो सोनी और अच्छा, मेहवाल के उस टाइम आपने लिखी थी वो आप हमें हाँ? थोड़ा सा सुनाएं, यादां दी हनेरी चलती रहे। लो जी, अब मैं आपको सुनाता हूँ जो पहली गजल मैंने लिखी, नज़्म लिखी, तो यादां दी हनेरी जे चलदी रवे अग हिजर दी सीने विच बलदी रवे मेरे नैना चो नैर इक वगदी रवे जिंद मेरी गमा विच ठलदी रवे हड़ा हो हड़ा हो आसां ते उम्मीदां वी टुट ने मेथों दिल दियां तांगा वी रुसियां ने मेथों दिल दियां तांगा वी रुसियां ने कित्थों तक मेरी वाह हुण चलदी रवे जिंद मेरी गमां विच ठलदी रवे हड़ा हो हड़े मारां ते हस दियां सखियां ने ताने देवन खलो विच गलियां ने ताने देवन खलो विच गलियां ने बल दे पांबड़ ते जा मेरी बल दी रवे जिंद मेरी गमा विच ठल दी रवे हड़ा हो आ छड़ के तू जग दियां रस्मानू नाल रह के निभाए ओना कसमानू नाल रह के निभाए ओना कसमानू वैरी दुनिया जे वेख हो के पर दी रवे जिंद मेरी गमा विच ठल दी रवे हड़ा हो हड़ा हो। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, आपने ये फर्स्ट आपने बताया कि ये पहली नज़म मेरी ये है जी जब मैंने शायरी शुरू की। अच्छा, पहली नज़म और ये बगैर किसी तैयारी कोई कुछ नहीं, ऐसे ख्याल आया तो लिख दी मैंने और सुनाई जब तो लोगों ने कहा कमाल है, जैसे उर्दू की शुरू पहले की मुशायरे। अच्छा, ये पंजाबी पहली, ये पंजाबी पहली जी, ये पंजाबी। तो ये कब शुरू की थी आपने? ये भी साथ ही है, साथ ही। मैंने बताया ना कि जब मदीना शिफ्ट गया हुआ था तो वहाँ मुझे याद आ गई उस बंदे की, चौधरी लियास जो है मलिया कलां वाला, तो मैंने कहा इतना अच्छा पढ़ता है, इतना बहुत हर शायर की शायरी पढ़ता था, हर शायर की, और तफसीर बताता था बड़ी अच्छी, तो आदमी मैं हो जाता खो जाता था ये क्या, तो मुझे भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त दी, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे भी दे कुछ, तो उसने बख्शी, अल्लाह की बड़ी रहमत है मुझे, उसने बैठे बैठाए इतनी अच्छी शायरी मेरे दिमाग में आ गई, मैं लिखा, ये अल्लाह की देन है जी, मैं किसी का बने इससे, ये वाकई आमद होती है शायरी। अच्छा, ये बात हुई कि मैं रात बैठा होता था तो शेर को अड़जन हम, तो कभी कभार अल्लाह जनन सिगर मेरी वाइफ को करवट कर, बहुत नेक औरत थी, तो उन्होंने उठना कहना क्या बात है, तो प्यार से कहते थे गुगे, आज तक जिंदगी में नाम ना मैंने नाम लिया उनका, तो ना मैंने उनका नाम लिया, ना उन्होंने मेरा नाम लिया, और जिंदगी में हमने आपस में ऊंची आवाज में बात की एक दूसरे से, अच्छा, नेवर एवर,
और बच्चों को वो बुलाया करती थी जुआद जी, बासित जी, कासम जी। तो बच्चे कहते थे अम्मी आप हमें इससे प्यार से क्यों बुलाती हैं, तो कहते थे कि ये आपकी जन्म कुट्टी में डालने के लिए, मगर जेन में डालने के लिए कि आपने किसी की इज्जत कैसे करनी है, तो आपको प्यार से बुलाऊंगी, आपको आदत पड़ जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा घर जो था ना वो सलामती काउंसिल था, कि जो फैमिली में गड़बड़ हो गई, झगड़ा हो गया, वहाँ आके सेटल करने सुलझाने के लिए आ जाते कि ये मियाँ बीवी बहुत शांत हैं, बहुत ठंडे हैं, आराम से बात करेंगे, बस उठती थी। बिल्कुल, आजकल के दौर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर हम अलग से बात करेंगे। एक ब्रेक हमें लेना है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नासरीन, बीट स्पेशल में गुफ्तगु हो रही है फयाज कुरैशी से। शायर हैं और लिखते भी हैं, साथ गाते भी हैं। सर, लास्ट सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का, क्या समझते हैं कि हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है किस चीज़ को मशले राह मनाना चाहिए? क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर्स हों, आपके मेंटोर्स हों, मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होती है, लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है, किसको आइडियल बना के चलें? कुरान पाक है हमारे पास, एक ज़ाब्ता अखलाक पूरा मौजूद है। कुरान पाक पहली बात है, उसके बाद इंसानियत का। बिल्कुल, इंसानियत को पढ़ लेंगे, जांच लेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इंसानियत को कैसे पढ़ें हम? बहुत आसान है, बहुत मुश्किल, ये मुश्किल काम नहीं है। इंसानियत वही है कि आप किसी के काम आए, अच्छे काम करें, बुराई से आप इज्तिनाब करें, बुराई के रास्ते छोड़ें, तो आपको इंसानी का पता चल जाएगा। देखिए, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को एबिलिटी दी के नापने के लिए, तोलने के लिए, बाढ़ तैयार किए, गज तैयार किया, ये पानी मेज़ करने, हर चीज़। तो इंसान का पैमाना है, उसकी गुफ्तगू, उसका अमल जो है वही उसकी इंसानियत है। तो इंसानियत कैसे पहचानी जाती है? कि अच्छा अमल होगा, अंदर से बोलेगा, दिल से बोलेगा, इखलाक से बोलेगा, तो पता चल जाएगा इंसान अच्छा है। जब हम बातचीत करते हैं आजकल के जो कामयाब लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम तकलीफ की तरफ जाएं, हम फन की तरफ जाएं, हमें पैसा कमाना है, भाई मनी इज एवरीथिंग बेटा। हर आदमी शॉर्ट रास्ता इख्तियार करना चाहता है, तो शॉर्ट रास्ता कभी सीधे रास्ते पर नहीं लेके जाता। अब हम क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, चलो जी दाता साहब चार देंगे, दे आओ, पैसा दिए ना, हराम का पैसा ना, देंगे दे आओ जाके, चलो वो बुला हो जाएगा, मौलवी साहब बुला लिए, 50 बच्चे बुला लिए, कुरान शरीफ पढ़ा लिया। ये नहीं है, कुरान में हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुद पढ़ोगे उसका सवाब है, जो आपने पैसे दे के पढ़ा लिया उसका कोई सवाब नहीं, वो तो आपने फॉर्मेलिटी की है। तो बात यह है, हम शॉर्ट रास्ते जो इख्तियार करें उससे सारा बखरा पैदा हो रहा है, क्योंकि जो आपकी तकदीर में लिख दिया गया होता है रिस्क, वो तो आपको मिलना ही मिलना होता है। बिल्कुल, हम हलाल को हराम कर लेते हैं क्योंकि शर्म पसंद है ना, हम जल्दी जल्दबाजी में। तो वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट रास्ते से आप ढूंढते हैं ना, लंबा रास्ता अच्छा रास्ता है उसमें। अच्छा, आपको कुछ आपके कलाम की तरफ भी मैं आना चाहूंगी, अगर आप हमें कुछ सुनाएं अपना फेवरेट जो है वो कलाम में से, अपनी किताब में से कुछ सुनाना चाहें तो हमारे नाज़रीन बिल्कुल आपको सुनना चाहेंगे। मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इश्क दी भाजद लग जावे मन विचों उठ दी हो, विरद नबी दा हर वेले होवे, सावाच अल्लाहू। फड़ के पल्ला सोने साया, लंग जा पतनो पारी, मिल जावे जे शरदा बलूंगड़ा, फड़ के पौले मारी, फड़ के पौले मारी, शर्मी पलड़ा मल मल तोई, शर्मी पलड़ा मल मल तोई, नितरे पानिया खू अल्लाहू। अपने अमला ती खैर तू पाना, पर ले अमला चोली, अपने अमला ती खैर तू पाना, पर ले अमला चोली, ला के सोने अमला दा पोचा, ला के सोने
ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਿੰਬਲੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਲੀ, ਲਿੰਬਲੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਲੀ, ਮਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਮਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ, ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹੂ। ਲੱਖਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਗ ਤੇ ਆਏ, ਸੁਣ ਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਓਹੋ ਲੱਖਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਗ ਤੇ ਆਏ, ਸੁਣ ਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਵੇ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਢੋਈ, ਜਿਸ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਢੋਈ। ਵੇਖ ਲੈ ਕਰਸ਼ੀ ਦਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਰਸ਼ੀ ਦਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ, ਫੈਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੂ, ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹੂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੂੰ, ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਕਲਾਮ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਕ ਆਪਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਕਾ ਐਲਬਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣੇ ਕਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਲਬਮ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ? ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸੂਫੀਨਾ ਕਲਾਮ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਸੂਫੀਨਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬਸ ਗਾਣੇ ਵਾਣੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਦਫ ਪੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਫੀਨਾ ਕਲਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਮਗਰ ਅਬ ਇਸ ਕਲਾਮ ਕੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਊਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਉਸਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਕੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉਸਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਮ ਸਲਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਤਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਲੀਜ਼। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿੜਦੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿੜਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੂ, ਕੱਖ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਆਸ ਦੰਦੇ ਹੂ। ਜਗ ਤੇ ਯਾਰੋ ਬਾੜ ਜਗਾਦਰ, ਸੜ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰੋ ਹਸ਼ਰ ਮੈਦਾਨੀ, ਮਰ ਸ਼ਰਮ ਤੀ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਸ਼ਰਮ ਤੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੜਨਾ ਅਮਲੀ ਕਰਮੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੜਨਾ ਅਮਲੀ ਕਰਮੀ, ਦੂਈਆਂ ਤਤੜੀ ਲੂ, ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨਵੀ ਪਿਸਦਾ, ਸੰਗ ਕਣਕ ਦੇ ਯਾਰਾ, ਸ਼ਰਦ ਸ਼ਿਰ ਕੋ ਬਚਦੇ ਓਹਾ, ਰੱਬ ਤੀ ਲੈ ਜਿਸ ਯਾਰਾ, ਰੱਬ ਤੀ ਲੈ ਜਿਸ ਯਾਰਾ। ਸੁਚਲੇ ਅਮਲਾਂ ਸ਼ਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਛੂ, ਸ਼ੇਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ, ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਲਈ ਜਿੰਦ ਹਲਕੋਈ, ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਲਈ ਜਿੰਦ ਹਲਕੋਈ, ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਿਓ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਾਂ, ਸੁੱਟ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸੁੱਟ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਾਂਗ ਵਲੀ ਮਿਆਂ, ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਾਂਗ ਵਲੀ ਮਿਆਂ, ਅੱਖੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅਥਰੂ, ਰੁੱਠੜਾ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਰਦ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਵਿਰਦ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਟੋਲ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਦਿਸੇ ਨਾ ਪੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਉਹ ਹੱਖ ਲੋਤਾ, ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਹਨਕਾਰਾ, ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਹਨਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਮਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਦ ਹੋਵਾਂ ਤਾਰੂ, ਕੱਖ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਆਸ ਦੰਦੀ ਹੂ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿੜਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੂ। ਸੁਭਾਨ
सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बातें की हैं। मैं मर जावां या मैं मर जावां, यानी मेरी मैं मरे या मैं मर जावां, तब मैं अल्लाह ताला के सुरखरू होता हूँ, सुरखरू होता हूँ। कामयाब होते हैं जो आपका असल जिस मकसद के लिए इंसान, हर इंसान के लिए ना। और फिर एक खूबसूरत बात, रंग जो है वो हर फूल का अपना रंग है, और बाकी अल्लाह ताला ने कितनी मखलूकात पैदा की हैं, हर एक जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जर्व करनी चाहिए शायर को। कख पले नहीं करशी तेरे आसदन दियो, कि उतने रंग हैं फूलों के, इतने रंग हैं, तेरे पले तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तो वदन की यानी जन्नत की आस लगाता है। और फिर भी जन्नत की आस लगाता है, तकब्बुर आ जाता है हम लोगों में, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट में आपके आपसे मैसेज लेना चाहूँगी हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए, कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम असल अपने असल की तरफ जा सकते हैं। बेहतरीन इंसान, लोगों को भला करो, बुराई नहीं सोचो, बुराई से पहले पीछे तो, और रास्ते में भी नेकी कमाते जाओ। कंकर आ गया उसको बिठाओ, उसकी भी नेकी है। सलाम करो, उसकी भी नेकी है। छोटे छोटे काम करो, बुगस नहीं रखो, हसद नहीं करो, ये चीज़ें बर्बाद करती हैं, ये शैतान का काम है। अच्छा, ये तो हमारे समाजी जो है वो रिश्तों को या फिर जो हमारे समाज में चीज़ें उनको साथ लेके चलने के लिए। अच्छा, आइली ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ भी बहुत से मसाइल हैं। एक घर में जो है वो अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें, बच्चों के वालदैन के साथ रिलेशन की बात करें, तो बहुत से मसाइल नज़र आते हैं। तो एक अच्छे अपनी जो है वो अपने ख़ानदानी निज़ाम को बेहतरीन तरीके से लेके चलने के लिए क्या आपके पास सजेशन है? अपने अल्फाज में मिठास पैदा करें, अपनी गुफ्तगू में मिठास पैदा करें, अपने आप में पेशेंस लाएं, सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। जिसने सब्र का दामन छोड़ लिया, उसने समझ गए शैतान का पल्लू पकड़ लिया और शैतान के रास्ते पर चल पड़ेगा, वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता। तो सबसे अव्वल बात यही है कि मिठास पैदा करें गुफ्तगू में, तैश में मत आएँ, अपना यानी सब्र का दामन मत छोड़ें। जितना मर्जी कोई आपको बुलाए या बात करे, यानी एक्साइट करे, एक्साइटेड ना हो, तो इस्लाम भी इसी की तरकीब देता है। और गुस्से को पी जाए, गुस्सा पीना जो है बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। इससे बड़े दर्जात मिलते हैं, बड़ी नेकी मिलती हैं, और इंसान को सिराते मुस्तकीम पे चलने का रास्ता मिलता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की, और बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का इख्तिताम होता जा रहा है, और इसी पैगाम के साथ कि आप अपने अंदर छुपी तख्लीकी सलाहियतों को उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर ढूंढ सकते हैं, अपने आप को दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले शऊर, अपने शऊर को जगाना पड़ेगा, शऊर को जगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है वो अपना जो आपका दीन इस्लाम है, मुकम्मल ज़ाब्ता इख़लाक़ है, उस पर अमल करते हुए यकीनन आप अपनी तलाश जो कि हर इंसान को रहती है उसमें कामयाब हो सकते हैं। रूबा उरूज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।